जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं खर मास की। खर मास में इच्छा पूर्ति का एक महाशक्तिशाली दिए का उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ खर मास की, जो कि 15 मार्च से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल में समाप्त होगा। इस खर मास में सब मांगलिक कार्य निषेध होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन भगवान की पूजा पर कोई रोक टोक नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ और सूर्य देव की आराधना करने से आपके अंदर तेज आता है, आपके अंदर बल आता है, आप निरोगी रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में इस समय सूर्य देव हैं। इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में सूर्य देव हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, जो भी हवन करते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं या केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। आप संकल्प लेकर जो भी कार्य करेंगे, आपके जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियां, संकट सब भगवान श्री विष्णु हर लेते हैं, हरि विष्णु हर लेते हैं। तो इस कार्य को करें आप। जो मैं अभी महाउपाय बताऊंगी, इससे पहले बताऊं सूर्यदेव की पूजा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि इस महीने आपको सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। एक चुटकी लाल रंग का चंदन या कुमकुम डालकर आप सूर्यदेव को अर्घ देना शुरू करिए। इसके साथ साथ आज महाउपाय की बात कर रही हूँ। ये पूरे महीने में आप 11 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हैं, 21 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हैं, 27 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चियाँ कोई भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस उपाय को करने के लिए, मतलब आपको अपने घर में ही समान है, लेकिन एक निश्चित समय की आपको ज़रूरत है कि आपको एक निश्चित समय करना है ये उपाय। केले के वृक्ष की पूजा का उपाय बताने जा रही हूँ। तो केले के वृक्ष आप जितने मर्जी लगाइए, प्रतिदिन जितनी मर्जी पूजा करिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, आप करते भी होंगे शनिवार की शनिवार पीपल वृक्ष की पूजा, लेकिन मैं आज केले के वृक्ष की बता रही हूँ जो आपको करनी है। 11 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन, जितने भी दिन का आप संकल्प लेके करें। और अगर यदि आप उस अवस्था में है कि आपको पीरियड सूतक पातक का कोई भय नहीं है, या पीरियड का तो है ही है नहीं, सूतक पातक तो किसी के हाथ में नहीं है, तो आप पूरे महीने भी इस कार्य को कर सकते हैं। किसी भी दिन से प्रारंभ कर लीजिए, किसी भी दिन से आप ये प्रारंभ कर लीजिए। आपको थोड़ा सा आटा लेना है, आटे में एक चुटकी हल्दी डालनी है, इतना सा गुड़ या शक्कर डालना है, ठीक है। उसका टाइट टाइट मलने के बाद दिया तैयार कर लेना है, यानी कि आटे का दिया आपको चाहिएगा। उसके अंदर तिल का तेल डालिए, लंबी बाती लगाइए, पीली पीली बाती। कैसे बनाएंगे पीली बाती बनाने के लिए, वैसे मैंने एक वीडियो बहुत अच्छी दी थी, इसमें मैंने सारी तरह की भी बाती आपको बनानी बताई थी, लाल बाती बताई थी, पीली बताई थी, काली बताई थी, और उसके साथ मैंने शहद की बाती बनानी बताई थी, इत्र की बाती बनानी बताई थी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, सर्च करके मिल जाएगी। फिलहाल बता देती हूँ कि रुई में थोड़ी सी हल्दी लिक्विड कीजिए, थोड़ी हल्दी में दूध डालकर लिक्विड कीजिए, उसमें रुई खूब सारी मल लीजिए, ठीक है। अच्छे से रुई को मल लीजिए या बत्तियां बनाकर उन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए, थोड़ा उन्हें सुखा लीजिए। जितने दिन आप करना है उतने दिन की बत्तियां बनाकर पहले से सुखा लीजिए। वो पीली बत्ती लगानी है, तिल का तेल उसमें डालना है, 5 चने की दाल के दाने डालने हैं, 1 तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी पड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ होना चाहिए, 1 पीला धागा लेकर जाना है। दिन कोई भी हो सकता है, 15 मार्च से लेकर आप कभी भी प्रारंभ इसको कर सकते हैं, किसी भी दिन से प्रारंभ कर लीजिए। संकल्प पहले दिन लिया जाएगा, केले के वृक्ष के नीचे जाएं। आप ये बोलेंगे क्या हम ये अपने घर के केले के वृक्ष के नीचे कर लेते हैं? देखिए मैं सदैव आपको ये बताती हूँ, अपने घर में छोटा सा केले का पौधा लगाया है, मानती हूँ, उसको आप सींचिए, उसमें जल दीजिए, प्रतिदिन उसको स्पर्श कीजिए, हाथ जोड़कर उसको प्रणाम कीजिए, उसको दिया भी दिखाइए। लेकिन जब हम उपाय करने की बात करते हैं, उपाय करने की बारी आती है, तो हम वो दिव्य स्थान तलाशते हैं जो कि मंदिर के प्रांगण में हमें मिलता है। कोई मंदिर का ऐसा प्रांगण नहीं है जहाँ केले का वृक्ष लगा हुआ ना हो। मंदिर में पॉजिटिविटी होती है, भगवान की पूजा होती है, आरती होती है, सारे वृक्ष उसके साक्षी होते हैं। उन वृक्षों में अद्भुत ऊर्जा और अद्भुत शक्ति होती है, इसलिए आपको बार बार मैं बोलती हूँ पैर उठाकर थोड़ा मंदिर जाइए। जब आप मंदिर जाते हैं,
भगवान भी प्रसन्न होते हैं, यानी कि पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है, तो क्यों नहीं चले जाते। वैसे भी खरमास में देव मंदिरों के दर्शन करने का विधान बताया गया है कि आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और देव मंदिरों के दर्शन करें, जितना ज्यादा दर्शन कर सकते हैं उतने ज्यादा दर्शन करें। किसी तीर्थ स्थान पर जाए तो ठीक है, नहीं तो एक नियम बना लीजिए कि हम अपने शारीरिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाएंगे, वहां आरती में शामिल हो जाइए या प्रतिदिन की पूजा करिए, जो भी करिए। कहने का मतलब यह है कि अपने आटे में हल्दी डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर एक दिया बनाना, उसमें उसमें पीली बाती लगानी है और उसमें तिल का तेल रखना है, 5 चने की दाल के दाने डालने, एक तांबे का पात्र लेना है जिसके अंदर जल होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, गुड़ होना चाहिए, एक पीला धागा लेकर जाना है। केले वृक्ष के समीप पहुंच गए, सबसे पहले आपको अपनी मन्नत का धागा बांधना है, जो पीला धागा आप लेकर गए हो केले के तने में उसको बांधना है, जो भी आपकी इच्छा हो वो बोलकर धागा बांध दीजिए। उसके बाद केले की जड़ में वो जल अर्पित करिए, जो हल्दी और मीठे युक्त आप जल लेकर गए हैं। उसके पश्चात जो आपने दिया बनाया है उस दिए को प्रज्वलित करिए, उस दिए को प्रज्वलित करिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अनगिनत बार जाप करिए। आप कोई माला मत लेकर जाइए, आप कुछ मत लेके जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आपके भाव बने, जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर करिए। ये कार्य सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन समय प्रतिदिन एक ही रहना चाहिए। जो भी आप उपाय रेगुलर करते हैं कुछ दिन लगातार, आपने मान लो 7 दिन का संकल्प लिया, 11 दिन का संकल्प लिया, 21 दिन का संकल्प, वहीं केले के वृक्ष के पास बैठकर लेना है। पहले हाथ में एक फूल ले लेना, थोड़ी सी चने की दाल ले लेना, क्योंकि भगवान श्री और विष्णु की पूजा कर रहे हैं, चावल नहीं लेंगे, ठीक है। फूल ले लेना, चने की दाल ले लेना, पर जल थोड़ा छिड़कना, मुट्ठी को बंद करना, आंख बंद करना, संकल्प लेना 7 दिन 11 दिन 21 दिन का। मैं ये अपना नाम अपना गोत्र बोलकर, अपने लिए कर रहे हैं तो अपना ना, अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लेकर, और जो भी कर रहे हैं आप चाहते हैं कि आपके अधूरे पड़े हैं, नहीं हो पा रहे हैं, परेशानी है, दुख है, वो सब विवरण कर फिर उसे ऐसे केले की जड़ में छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात आपको धागा बांधना है, उसके पश्चात आपको जल देना है, फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना और अपने घर आ जाना है मंत्र का जाप करने के बाद। यही प्रक्रिया आपको प्रतिदिन दोहरानी है, परंतु धागा प्रतिदिन नहीं बांधना, धागा आपको सिर्फ पहले दिन बांधना है, संकल्प भी आपको सिर्फ पहले दिन ही लेना है। धागा और संकल्प पहले दिन लेंगे, प्रतिदिन आपको जल का लोटा और दीपक लेके जाना है। आप ये देखेंगे कि इस खरमास की महिमा मैं आपको कितनी बताऊं, जब आप खुद करेंगे और आप खुद रिजल्ट देखेंगे तब आपको विश्वास होगा कि इस खरमास की कितनी महिमा है। इसके निमित्त जो कहानियां प्रचलित हैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर से पुनः बताऊंगी तो वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप सुन भी चुके होते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको मुख्य बात बताई है। जहां तक हो सके केले के वृक्ष की पूजा करिए, सींचिए अपने घर से दूर, मंदिर में जाकर पूजा करिए, मंदिर में वृक्ष लगवाइए, शनिवार की शनिवार पीपल की जड़ में आप जो पानी है वो भी हल्दी युक्त दीजिए, पीपल की जड़ में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी हल्दी और मीठा डालकर पीपल की जड़ में भी आप शनिवार के शनिवार जल देना प्रारंभ कर दीजिए। इस महीने का जितना ज़्यादा लाभ उठा सकते हो लाभ उठाओ, अपने कर्मों को स्ट्रोंग करो, जितना ज़्यादा जो निर्धन है ज़रूरतमंद है उन लोगों की अन्न से वस्त्र से धन से शिक्षा से दवाइयों से जिस भी तरह हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प करो। कर्म स्ट्रोंग करोगे तो फल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाले जो खरमास है इसका जो महाशक्तिशाली मैंने आपको एक दिए का उपाय बताया इसको जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आप